हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। उदयपुर पहुंची नीलमा और किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये रिश्ता में एक और बड़ा सच आने वाला है सभी के सामने, अभिनव और अक्षरा को लेकर। और नीलमा करेंगी ये खुलासा, जहाँ अभिमन्यु भी होगा मौजूद। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि नीलमा को जब से पता चला है कि मुस्कान की शादी टूट गई है और लड़के वालों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है गोयनका फैमिली में, वो हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेचैन होकर नीलमा पहुँच गई हैं कसौली से उदयपुर। वेल, उदयपुर वो पहुँची हैं अपने बेटे अभिनव और मुस्कान की शादी करवाने के लिए। लेकिन इसके साथ खुलेगा बड़ा राज सभी के सामने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अभिमन्यु भी मिलेगा नीलमा से। दरअसल अभिमन्यु जब शिमला गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, तब वो नीलमा से मिला था और वो उन्हें जानता है। तो जब वो नीलमा को देखेगा तो वो उनसे प्रणाम करेगा, उनसे नमस्ते करेगा और उसे मालूम ही नहीं होगा कि उसके सामने इस मीटिंग में इतना बड़ा राज खुलने वाला है। क्योंकि तभी नीलमा बताएंगी कि वो आखिर क्यों आई हैं उदयपुर। वो बताएंगी कि वो अपने बच्चों की शादी करवाना चाहती हैं, उनको सेटल देखना चाहती हैं। इतना ही नहीं, नीलमा कहेंगी कि मैं चाहती हूँ कि अभिनव को उसका प्यार यानी अक्षरा मिल जाए, उन दोनों की शादी हो जाए। जिसके बाद अभिमन्यु हो जाएगा हैरान, क्योंकि अक्षरा का कहना है कि वो दोनों भले ही पति पत्नी ना हों पर उन्होंने शादी अभीर के लिए की है। लेकिन नीलमा खोलने वाली हैं बड़ा राज। दरअसल अभीर के लिए भी अभिनव और अक्षरा ने शादी नहीं की है, वो बस एक ही घर में रह रहे हैं, यानी इन्होंने एक दूसरे से शादी की ही नहीं है। और यही बात खुलने वाली है अभिमन्यु के सामने नीलमा के ज़रिए। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही इस राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिनव को गोयनका फैमिली दामाद की तरह ट्रीट करती है और हर किसी को यही मालूम है कि अक्षरा और अभिनव ने शादी की है, चाहे अभीर के लिए ही की हो लेकिन उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन दोस्तों साफ पता चल जाएगा सभी को नीलमा की वजह से कि इन दोनों ने कभी शादी की ही नहीं है। और ये सच सबसे बड़ा सच होगा अब तक का, क्योंकि इसके बाद ये अभिनव को भी क्लियर हो जाएगा और अभिमन्यु को भी क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी मूव ऑन नहीं कर पाया है और आज भी अक्षरा और अभिमन्यु एक साथ आ सकते हैं। क्योंकि इनके दिलों में 6 साल बाद भी 6 साल के पहले वाले रिश्ते ही आज भी जिंदा हैं। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा अभिमन्यु का रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।